नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में आपका ऐसा हक, आपका एक ऐसा एरियर, आपका एक ऐसा जायज पैसा जो आपको लागू है लेकिन नहीं मिला है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। फरवरी 2019 से ये बढ़ोतरी लागू है, सर्विंग सोल्जर्स को भी लागू है, रिटायर्ड को भी लागू है। कई सारा अब सर्विंग के उसमें क्या होता है कि उनको ऑफिस से कार्रवाई किया जाता है, ऑफिस होता है, रेजिमेंट होती है, रिकॉर्ड ऑफिस के साथ पत्राचार होता है और उनको जो मिलना है मिल जाता है। लेकिन जो रिटायर्ड होते हैं उनको अगर अपने आप मिल गया तो मिल गया, लेकिन अगर अपने आप नहीं मिला और उनको जानकारी भी नहीं है कि आगे कार्रवाई क्या करनी है तो उनको नहीं मिलता है। और ऐसे लाखों पेंशनर्स का पैसा करोड़ों रुपए पीएओआर के खाते में पड़ा हुआ है, आपको भी लागू हो सकता है। तो आगे इस वीडियो में ये सारी बातें बताऊंगा, किसके बारे में मैं बोल रहा हूं, सभी चीजें क्लियर होंगी और आपको भी अगर लागू है तो आपको उस पैसे को पाने के लिए कार्रवाई क्या करना है। लाइव डेमो के साथ आपको दिखाऊंगा दोस्तों, जिस पेंशनर ने क्या कार्रवाई किया तो उनके बाद अब रिकॉर्ड ऑफिस ने उनका पैसा दिलाने के लिए अपनी तरफ से क्या कार्रवाई किया। इसमें रक्षा मंत्रालय का भी लेटर जारी हो चुका है, सीजीडीए का भी लेटर जारी हो चुका है, लेकिन कई सारे पेंशनर्स अभी भी इस हक से, इस पैसे से वंचित हैं, उनके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप सारी चीजें बोर्ड में देख पा रहे हैं उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, लाखों पेंशनर्स के करोड़ों रुपए पीएओ के पास हैं, कार्रवाई करें, अपना हक लें। जी हां, आपको जागने की जरूरत है। जिनको मिल गया मिल गया, लेकिन जिनको नहीं मिला, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। पहले आप समझिए आपको लागू है कि नहीं, कितना लागू है, सारा आइडिया आपको दूंगा इस वीडियो में दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले रक्षा मंत्रालय सीजीडीए का लेटर जारी हो चुका है। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने, सीजीडीए ने इसके बारे में, इस बढ़ोतरी के बारे में लेटर जारी कर दिया है। वो लेटर भी आगे आपको दिखाऊंगा। आगे दोस्तों, पेंशनर्स को मिलना है रिस्क एंड हार्डशिप का पैसा। जी हाँ, पेंशनर्स को भी मिलना है ये पैसा। आगे दोस्तों, लाखों तक का एरियर 22 फरवरी 2019 से मिलेगा। जी हाँ, एक एक पेंशनर को लाखों रुपए तक का भी एरियर बन रहा है। कई सारे पेंशनर्स को हजारों में बन रहा है, कईयों का लाखों में बन रहा है, तो वो एरियर लागू है 22 फरवरी 2019 से। अगर आपने नहीं लिया तो आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। आगे दोस्तों मैं दिखाता हूं, अलाउंस में हुई थी 2019 से भारी बढ़ोतरी। जी हाँ, अलाउंसेस में बढ़ोतरी की गई थी, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, अलाउंसेस के कैटेगरी चेंज कर दिए गए थे, अलाउंस में बढ़ोतरी कर दी गई थी और किस हिसाब से कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई थी उसका एक अंदाजा मैं आपको देता हूं दोस्तों। जहां पर 27,000 रुपए लागू था वहां पर बढ़ोतरी हो करके कई सारे अलाउंसेस थे उनको क्लब किया गया, रिस्क एंड हार्डशिप में लाया गया। उसका सारा मैं जो लेटर है वो भी आपको दिखाऊंगा। और लगभग जहां पर 27,000 रुपए अलाउंस मिलता था वहां पर 34,600 रुपए अलाउंस हो गया था, और जहां पर दोस्तों 17,300 रुपए का अलाउंस था वहां पर 27,000 हो गया था। इस तरीके से और भी कैटेगरीज हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये दो कैटेगरीज यहां पर लेके आया हूं। आगे दोस्तों, अगर इसके हिसाब से आप एरियर का अगर हिसाब किताब करें तो महीने में बढ़ोतरी है 7,600 रुपए की, और अगर मान लीजिए आपने 15 महीने भी उन एरियाज में सर्विस किया है रिटायरमेंट से पहले, तो आपको जो है दोस्तों 15 महीने के हिसाब से 7,600 के हिसाब से 1,14,000 रुपए एरियर लागू है, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आगे दोस्तों, अगर 17,300 वाले एरिया में आपने नौकरी किया तो बढ़ करके 27,000 रुपए हो चुका है, वहां 9,700 की हर महीने की बढ़ोतरी, और अगर एक ही साल भी आपने वहां नौकरी किया है तो 1,16,400 रुपए तक का आपका एरियर बन रहा है। लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, आपने कार्रवाई नहीं किया है, तो वो सारा का सारा पैसा कहां पर है, पीएओआर में, यानी कि गवर्नमेंट के खाते में है। तो आप जानिए आगे। अब मैं आपको रक्षा मंत्रालय का और सीजीडीए का लेटर पहले दिखाता हूं, चलिए उस लेटर को देखते हैं। अब दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं जिसमें रिवीजन ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स अलाउंस बेस्ड ऑन एरिया, यानी कि एरिया के हिसाब से जो हार्डशिप अलाउंस है, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस है, उसको रिवाइज कर दिया गया है, ये इसमें जानकारी दी गई है। आगे दोस्तों, आप इस लेटर को पूरा आप देखेंगे तो पता चलेगा किस तरीके से। ये देखिए आगे सीजीडीए का भी लेटर है, ये देखिए 77%, 60%, कई सारे इसमें R2S2, R3S2 इस तरीके से कैटेगरीज बनाए गए हैं, उसको पूरा आप जान सकते हैं। ये देखिए ये रहा सीजीडीए का और एक लेटर जिसमें पूरा विस्तृत में सारी चीजें दिखाई गई हैं, और इसमें आगे दोस्तों क्या कितना बढ़ोतरी होगा उसके बारे में भी एक टेबल जारी किया गया है, आपको मैं दिखाता हूं किस तरीके से। ये देखिए कितना पैसा बढ़ करके क्या हो गया, ये सारी बातें इस लेटर में जो है जानकारी दी गई है।
जैसे आप देख पा रहे हैं ये सीजीडीए का लेटर में पूरा कितना पैसा बढ़कर कितना हो गया, कहीं कहीं तो बहुत बढ़ोतरी हुई है, ये सारा चीज आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आप सबने देखा कि लेटर्स ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, सरकार की तरफ से क्लियरली ये आदेश दे दिया गया है कि भुगतान कीजिए। सर्विंग जो थे, जो सेवा में थे, उनको तो मिल भी गया, लेकिन रिटायर्ड थे उनमें से भी बहुत सारों को मिल गया, जो थोड़ा एक्टिव थे जिनको पता था कि मुझे मिलना है उनको भी मिल गया, लेकिन जो ध्यान नहीं रखते इन चीजों का उनको आज भी नहीं मिला। आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसमें अब आगे बताता हूं दोस्तों कि किन किन को मिलेगा। अब क्लियर एक चीज बता दूं, क्योंकि मुझे बाद में फिर आप लोग मैसेज करते रहेंगे कि मैं 2003 का रिटायरी हूं, मैंने फील्ड में 6 महीना नौकरी किया था, क्या मुझे भी मिलेगा? नहीं, मैं आप पहले समझिए यहां पर, जिन्होंने भी 22 फरवरी 2019 से लेके आगे 2020, 2021, 2022 में फील्ड एरियाज में नौकरी की है, उनको ये बढ़ोतरी लागू है। यानी कि 22 फरवरी 2019 में वो सर्विस में थे, आगे 2019 में, बाद में मार्च में, अप्रैल में, या 2019 के लास्ट में, या 20 में, 21 में, 22 में, या 22 तक तो लास्ट तक तो मिल चुका था, तो 22 में अगर कोई पेंशन आउट हुए हैं और उनको उस समय में फील्ड एरिया में उन्होंने नौकरी किया है, तो वो फील्ड एरिया का अलाउंसेस रिवाइज हो गए हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, मुझे भी मिला। जी हाँ, मैं फरवरी 2019 से लेकर जुलाई 2019 तक फील्ड में था रिटायरमेंट से पहले, तो वो लगभग 5.5 महीने का मुझे भी एरियर मिल चुका है। क्योंकि मैं अमूमन दोस्तों जब मुझे कुछ चीज लागू होता है तो मैं लेटर पे लेटर लिखता रहता हूँ, रिकॉर्ड को भी लिखता रहता हूँ, मैं सीपी ग्राम्स में भी ग्रीवेंस डालता हूँ, और जो चीज मुझे लागू हो मैं लेके छोड़ता हूँ। पिछले साल मैंने रिटायरमेंट के बाद दीपावली का बोनस भी लेके छोड़ा है, और वो चीजें सारे एविडेंस के साथ आपको मैं किसी दिन वीडियो में बताऊंगा जब आगे बोनस का डिक्लेरेशन होगा। आगे दोस्तों अब मैं बताता हूँ, मुझे भी मिला है और किन किन को लागू है आप समझ गए होंगे, जो इस दिन सर्विस में थे, आगे भी सर्विस में रहे, उसके बाद रिटायर हुए, लेकिन उस समय में वो फील्ड एरिया में थे, उनको ये बढ़ोतरी लागू है। ये हर महीने का इतना इतना पैसा जो है उनको मिल सकता है। अब मैं आपको दोस्तों क्या कार्रवाई करना है ये समझाता हूं। कार्रवाई करना है दोस्तों, आपको रिकॉर्ड ऑफिस को लिखना पड़ेगा। इसमें कार्रवाई थी, यूनिट ने पार्ट टू ऑर्डर को कैंसिल करके दूसरा पार्ट टू ऑर्डर नए रेट के हिसाब से पब्लिश करना था। यूनिटों ने वो काम तो कर दिया, हो सकता है कहीं एक आध यूनिट में बचाओ, लेकिन मैक्सिमम यूनिटों ने वो काम कर दिया। रिकॉर्ड ऑफिस में पार्ट ऑर्डर चले गए, पार्ट ऑर्डर रिकॉर्ड से पीओआर में भी चले गए, लेकिन जो सर्विंग एम्प्लॉई है, जो सर्विंग सोल्जर है, उनका तो उसी टाइम प्रोसेस हो जाता है पीओआर का डॉल्फिन सिस्टम में, लेकिन जो रिटायर्ड होता है, जिनका डॉल्फिन में डाटा एनी में पड़ा है, यानी कि रिटायर्ड में पड़ा है, उनका ऑटोमेटिकली प्रोसेस नहीं होता। और रिकॉर्ड ऑफिस जब कार्रवाई करता है, रिकॉर्ड ऑफिस का रोल है इसमें, रिकॉर्ड ऑफिस जब अपनी तरफ से कोई लेटर लिखता है या अपनी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां भेज करके ये बोलता है कि ये पार्ट टू ऑर्डर में जो पेंशनर्स का भी पैसा फंसा हुआ है, तब जा करके पीओआर उसको क्लियर करता है। तो इसमें रिकॉर्ड ऑफिस को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपका रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस बढ़ा हुआ लागू था, आपको मिलना था, अभी तक नहीं मिला है आप रिटायरमेंट होने के बाद, तो और यूनिट ने कार्रवाई कर दिया, तो आपने रिकॉर्ड ऑफिस को जरूर लिखना है, चाहे सीधे लिखें, चाहे ईमेल डालें, चाहे कुछ नहीं हो रहा तो सीपी ग्राम्स में आप ग्रीवेंस डाल दीजिए। आपका रिकॉर्ड ऑफिस जब आपका पीओआर से संपर्क करेगा, तब जाकर के आपका वो पैसा रिलीज होगा। अब एक पेंशनर का ऐसा ही केस था, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने किस तरीके से पीओआर से संपर्क किया, किस तरीके से लेटर लिखा, वो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। जो रिकॉर्ड का पीओआर को पत्र देखें, चलिए उसको दिखाता हूं। अब दोस्तों ये जो रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर आप देख पा रहे हैं, बीईजी रिकॉर्ड का लेटर, जो 29 सितंबर का लेटर है, जो पीएओआर बीईजी रुड़की को लिखा गया है। अब इस लेटर में पेंशनर जो नायक अमित आदित्य जी हैं, उनके बारे में लिखा गया है, और उनका बकायदा यहाँ पार्ट ऑर्डर नंबर तक का जिक्र किया गया है कि उनका जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का पार्ट ऑर्डर है वो यूनिट ने कर दिया था, उनका पार्ट ऑर्डर नंबर ये है, और जो पार्ट ऑर्डर जब यूनिट के बाद जब रिकॉर्ड पहुंचा तो रिकॉर्ड से एक बैच बनता है, तो उस बैच के साथ ये बैच नंबर भी बकायदा यहाँ दिया गया है, बैच नंबर के साथ जो है रिकॉर्ड ऑफिस से पीएओआर भेजा गया है। अब देखिए ये जो एनी रिकॉर्ड में जो एनी सेक्शन होता है, एनी की तरफ से ये पीओआर को लेटर भेजा गया है, तो इस तरह से जब रिकॉर्ड ऑफिस से जब पीओआर को लेटर जाता है किसी भी पार्ट ऑर्डर के बारे में पर्टिकुलरली मेंशन करके अलग से, तब जाकर के पीओआर इसके ऊपर कार्रवाई करता है दोस्तों। क्योंकि जब पेंशनर हो जाने के बाद पीओआर सीधे उस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो बाद में फिर उस लेटर का कॉपी पेंशनर को भी दिया गया, तो इस तरीके से जब कार्रवाई होगी रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, तभी जो पैसा आपका पीओआर में पेंडिंग है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का, या कोई और पैसा हो, जो पुराना पैसा जो
आपके सर्विस के ड्यूरेशन का पैसा है जो पीओआर में पड़ा है, उस पैसे को तभी आप ले सकते हैं जब रिकॉर्ड ऑफिस इस तरीके से कार्रवाई करें। और रिकॉर्ड ऑफिस को इस तरीके से कार्रवाई करने के लिए आपको भी रिकॉर्ड ऑफिस को जो है झकझोरना पड़ेगा, उनको हिलाना पड़ेगा, तभी वो भी कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों आप सबने देखा कि बीईजी रिकॉर्ड ने इस तरीके से एक पेंशनर का केस जो है पीओआर में भेजा है, तो इस तरीके से आप भी जागेंगे, कार्रवाई करेंगे, तब जाकर के आपको आपका यह हक मिलेगा। और दोस्तों आपको अगर विस्तृत में रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के बारे में जानना है तो मैंने और एक वीडियो बनाया जो ये राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, उसका लिंक, उसको क्लिक कीजिए और विस्तृत रूप से उस मैटर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देकर आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।